हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एडजस्टेबल ब्रा। ये ब्रा जैसे आपके नेक का डिज़ाइन होगा उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डीप है तो उस हिसाब से भी, और वाइड है तो उस हिसाब से भी आप इसको तीन तरह से कैरी कर सकते हैं। तो आइए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। किस तरह से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एक स्क्वायर कपड़ा 8x8 का। ये 8x8 का स्क्वायर कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इसके कॉर्नर्स को अच्छे से मिला लेना है। एक फोल्ड हम इसका इस तरह से करेंगे, यहाँ पे इसको आपस में अच्छे से मिला लेना है और इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब हम इसको ऊपर की साइड से 1 इंच नापेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड करेंगे। आधा इंच यहाँ से और इसको इधर से सिलाई में दबा देंगे ऐसे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। इससे पहले दो पट्टियाँ और कट करेंगे। एक तो ही लेंगे कंधा पट्टी, जिसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई रहेगी 16 इंच, 16। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लंबाई लेनी है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि इसलिए इसको लंबा ज़्यादा लेना है। और ये जो नीचे की पट्टी है वो अपनी कमर के हिसाब से हमें लेनी है, जितने आपकी कमर है उस हिसाब से इस पट्टी को लेंगे। अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक सिलाई लगा देंगे, जैसे ये है, इसको यहाँ से बीच से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई होने के बाद कप इस तरह का बन गया है। अब हम एक 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के आप ले सकते हैं, और इसके चारों तरफ जॉइंट करके पाइपिंग निकाल लेंगे। कप दोनों रेडी हो गए हैं पाइपिंग निकल के। अब हम जितने कप के नीचे का हिस्सा है सेम उतनी लंबाई की एक पट्टी और लेंगे। ये 7.5 इंच आया है तो हम 8.5 लेंगे, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसको दोनों साइड से ऐसे बिल्कुल पतला पतला मोड़ लेंगे। इसकी लेंथ हमें कप के बराबर की रखनी है। अब हम पट्टी को राइट साइड में जोड़ करके इधर और अंदर की साइड इसको मोड़ देंगे ऐसे। इसके बराबर से आना चाहिए पट्टी, बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से इसको जोड़ेंगे, पट्टी जॉइंट हो गई है। अब इसको ऐसे अंदर की साइड मोड़ेंगे, यहाँ से इसकी सिलाई लगा देंगे। ये दोनों कप की नीचे की पट्टी जुड़ चुकी है। अब हम इसकी शोल्डर पट्टी लगाएंगे। इसका साइज़ रहेगा 32। ये पट्टी के दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे, इससे पट्टी आरामदायक रहेगी कंधे वाली। तो दोनों साइड से सिलाई कर देनी है। अब हम कंधे वाली पट्टी की लंबाई 13.5 इंच छोड़ करके उसको नीचे से यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इसको ऐसे यहाँ पे सिलाई कर देंगे। एक पट्टी तैयार हो गई है। अब दूसरी पट्टी को भी सेम लंबाई लेके इतना छोड़ के इसको भी ऐसे ही वापस यहाँ पे फोल्ड करके सेपरेट कर देंगे। अब हम कंधा पट्टी को कप के जो ऊपर का सेंटर का हिस्सा है यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हम लेंगे ये कमर की पट्टी। इसकी लंबाई
29 इंच है तो इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 14.5 और यहाँ पे 17। अब हम इसको दोनों साइड से ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। इसकी चौड़ाई जो है ये 1 इंच से 1.25 इंच के बीच में रहनी चाहिए। ये बैक पट्टी की सिलाई हो गई है। अब हम 29 इंच इसको छोड़ देंगे और उसके बाद इसी में हम हुक होल्डर बनाएंगे। अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन से ही बनाएंगे। इसके लिए हम ये जो निशान लगाया है उसको 1/2 इंच आगे ऐसे मोड़ेंगे और इसके किनारों से सिलाई करेंगे। यहाँ बीच में से सिलाई नहीं करना है, ये इधर से ऊपर और नीचे से करेंगे। सिलाई हम बिल्कुल बारीक लगाएंगे, मोटी सिलाई हमें यहाँ पे नहीं लगानी है। ऐसे इसकी सिलाई हो गई है। यहाँ पे एक बार इसको फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के गैप में ही ऐसे, और इसको भी इधर से सिलाई कर देंगे ऊपर नीचे से और बीच में से। यहाँ से ये इधर सिलाई हो गई है। अब हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे, वी की तरह यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हो गया ऐसे, फिर इसमें बीच में से थोड़ा सा सीधा और फिर से एक वी आकार का निशान बनाएंगे। ये ऐसे बाद में डब्लू की तरह आपको दिखाई देगा। और जो हमने अब निशान लगाया है उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। सिलाई बिल्कुल बारीक लगानी है। ये एक हो गया है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ ऊपर वाली पट्टी में भी सिलाई लगा देंगे इसका। ये कमर पट्टी भी तैयार हो गई है। अब हम इसको कप के साथ में जोड़ देंगे। ये सिलाई करके हमें नहीं जोड़ना है, इसको इधर से यहाँ से निकाल देंगे। ये पट्टी को हमने कप में डाल दिया है। आप जैसे इसको बीच में से भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं या फिर इसको एक साथ रख सकते हैं। ये तैयार हो गई है सिल करके ब्रा, एडजस्टेबल। अब इसको कैसे कैरी करना वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम यहाँ पर एक साइड में हुक लगा देंगे, 2 हुक यहाँ पे लगाएंगे। ब्रा रेडी हो गई है, हुक भी लग गए हैं। आप देख रहे हैं इसकी कंधे वाली पट्टियों को हमने बैक में अटैच नहीं किया है। तो अब इसको कैसे आपको कैरी करना वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये हुक देखिए, इनको इसमें लगा लेंगे। इस तरह से हुक हमने लगा दिए पीछे। सबसे पहले तो अगर आपके आउटफिट के शोल्डर जो आप हैं तो आप इसको फ्रंट में ऐसे क्रॉस दे करके भी पहन सकते हैं। एक अब इसका दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में इसको ऐसे डालेंगे दोनों साइड से शोल्डर पट्टियों को बैक पट्टी के साथ में। ये डाल दिया है, हुक लगा देंगे। अगर आपके आउटफिट की नेक जो है वो वाइड है, चौड़ी है, तो आप देखे होंगे कहीं किसी किसी की पीछे की साइड से बरा की पट्टियाँ दिखाई देती हैं, तो आप इसको यहाँ पे साइड में कर सकते हैं। इससे पीछे पट्टियाँ दिखाई नहीं देंगी, जैसे यहाँ पे रहती हैं फिक्स, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं है। तो आप इसको ऐसे साइड में भी ले सकते हैं। नंबर 3, तीसरे तरीके में आप इसको ऐसे राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में इस तरह से डाल करके हुक लगा लेंगे और आप इसको पीछे भी ऐसे क्रॉस में पहन सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडल्स वगैरह ऐसी ब्रा पहनते हैं जिसमें पीछे क्रॉस आता है, तो आप इसको पीछे क्रॉस करके भी पहन सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।